Hello and alaikum warahmatullahi Wabarakatuhu Welcome to my English grammar class. Today we are going to discuss articles a and on worksheet and uh, newspapers. Also, we use newspapers on practice of uh, articles. Articles may a and or da. आ एन दा को टू मेन ग्रूप्स में तकसीम किया गया है वन इज़ इंडेफिनट आर्टिकल्स एंड सेकेंड इज डेफिनट आर्टिकल्स इंडेफिनट आर्टिकल्स में आ और एन होता है इसका उर्दू मीनिंग एक है इसीलिए हम कह सकते हैं कि काउंटेबल नाउन के पहले आता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपने देखा होगा एक एक जो है वो वन की मीनिंग एक और वो एक हमेशा सिंगुलर ही होता है इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक काउंटेबल नाउन से पहले आवर एन का इस्तेमाल किया जाता है इसके बिल्कुल ऑपोजिट हम कह सकते हैं कि डेफिनेट आर्किल्स आर्टिकल्स है डेफिनेट का मतलब एग्जैक्ट है तो ये दा जो है वो इस्तेमाल होगा ऐसे नाउन के पहले जो थोड़े स्पेसिफ़िक हो जाएं, जो ख़ास हो जाएं, ऐसे नाउन से पहले हम लोग दा को लगाते हैं इसका हम लोग प्रैक्टिस थोड़ी सी करते हैं अब यहाँ पर आ जाता है आवर एन दोनों का मतलब एक है तो क्या इसका इस इनको वर्ड्स जिन वर्ड्स के साथ हम यूज़ करते हैं वो भी सेम होंगे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जब ये दो अलग-अलग से वर्ड है तो इसका इस्तेमाल भी अलहदा होगा तो आपने यहाँ पर देखना है कि आ जो है वो इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट से बनने वाले वर्ड और एन जो है वो इस्तेमाल होता है वोल से बनने वाले वर्ड तो आपने यहाँ पर देखना है कि जितने भी वोल से बनने वाले वर्ड होंगे जो होता है आ ई आई ओ और यू इनसे जो भी वर्ड्स बनेंगे इसके बाद हमने लगा देने हैं एन और उसके बाद जो आता है कॉन्सोनेंट वो है कॉन्सोनेंट के साथ बनने वाले जो वर्ड होते हैं जो हमारे पास होते हैं बी सी से जी तक इससे बनने वाले वर्ड के साथ हम लगा देंगे आ अब ये थोड़ा सा ऑपोजिट भी देख लें कि हमारे पास ये कम ग्रुप की चीज़ें हैं ई आई आ, ओ यू ये हमारे पास फाइव है उनके साथ हम डबल लेटर वाला वर्ड इनके कि एन यूज़ करेंगे अपने बच्चों को समझाने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं बी ज, बी सी और जी इसके साथ हम आ यूज़ करेंगे अब ये बिल्कुल इसके साथ अगर हम दा का इस्तेमाल करते हैं वो ये कि चाहे कोई भी वर्ड वो वॉवल से बनता हो या वो कॉन्सोनेंट से बनता हो कोई वर्ड भी इन दोनों में से जिनके साथ भी बने कोई मैटर नहीं रखता लेकिन वो स्पेसिफिक होना चाहिए वो स्पेसिफ़िक होना चाहिए ख़ास होना चाहिए तो यहाँ पे हमने स्पेसिफ़िक होना चाहिए या हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर होना चाहिए तो इसके साथ हम लगा देंगे दा अब हमारा मैटर ये नहीं करता कि वोवल से बनता है या कॉन्सोनेंट से बनता है हमारे पास एक बात पॉइंट यहाँ पे आ जाता है कि यहाँ पर है डेफिनेट यानी कि हमारे पास आर्टिकल्स डेफिनेट होना चाहिए ये नाउंस हमारे पास स्पेशल होने चाहिए स्पेसिफ़िक होने चाहिए उसके साथ हमने दा लगा देना है अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि एक एग्जाम्पल देखिए है वट आ प्रिटी गर्ल यहाँ पे ये प्रिटी जो है ये एडजेक्टिव है लेकिन ये एक काउंटेबल यानी कि प्रिटी गर्ल एक लड़की है इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने आ लगाया लेकिन एक चीज़ भी आपने देखना है कि यहाँ पे पी जो है वो कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पर आ लगा हमने कहा है कि ए ई आई ओ यू से बनने वाले वर्ड जो है उसके साथ एन जबकि पी हमारे वोवल में नहीं आता इसलिए यहाँ पर ए लगाए आ लगा है अब हम देख सकते हैं कि कोई भी लेटर जो ए ई आई ओ यू है वो वोवल ग्रुप में आएगा और इससे बनने वाले वर्ड उसके साथ हम एन लगा देंगे मिसाल के तौर पर हम लोग लेते हैं एप्पल और इसके बाद हम ई से आई लेते हैं और इसके बाद हम आई से जो है वो इंक ले लेते हैं इग्लो ले लेते हैं ऑरेंज ले लेते हैं ये जितने भी हैं यहाँ पे एप्पल ले लेते हैं और यहाँ पे फिर या एम्ब्रेला ले लेते हैं सॉरी एप्पल तो हमारा ए से आएगा यू से एम्ब्रेला ले लेते हैं अब इनके साथ हमने लगाना है एन ये वो वर्ड है जिससे पहले हम लोगों ने देखा होगा कि वॉवल लेटर्स हैं अगर यहाँ पे हमारे पास आ जाए बॉल या यहाँ पर हमारे पास आ जाए मतलब कैट आ जाए या हमारे पास कोई भी मतलब कोई और भी ले लिया जी से बनने वाले जैबरा ले लें तो इनके साथ हमने इस्तेमाल करना है आ इससे पहले हम इस्तेमाल कर देंगे आ तो यहाँ पर यह बात आ गई कि एन और आ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आता है और आ और एन का इस्तेमाल हम देखेंगे कि आ जो है वो उस वो ऐसे लेटर से बनते हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं और एन जो है वो इस्तेमाल होता है वोवल लेटर से बनने वाले ये बिल्कुल ऑपोजिट है इसको हम देखते हैं कि यहाँ पर वो वर्ड चाहे वो वॉवल से बने या वो कॉन्सोनेट से बने लेकिन स्पेशल हो जाएं उनके साथ हम लगाते हैं दागो ये मैटर नहीं करता कि वो काउंटेबल है डेफिनेटली काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा जो भी होगा लेकिन स्पेशल होगा उसके साथ हमने लगा देना है दागो हम थोड़ी सी प्रैक्टिस यहाँ पर करते हैं न्यूज़पेपर के साथ और न्यूज़पेपर मैंने थोड़ा सा एक लिया है न्यूज़र यहाँ पर पे एक न्यूज़पेपर का मैंने एक्सट्रैक्ट लिया है पैसेज लिया है इसमें हम पढ़ेंगे और देखेंगे कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच आप उसका इस्तेमाल किसी बुक से न्यूज़पेपर से लाजमी कीजिए ताकि उसकी कोई कन्फ्यूजन आपके माइंड में ना रहे यहाँ पर एक छोटा सा मैंने एक पैराग्राफ लिया है इसमें देखिए गया द लिल्टिंग रोमांटिक नंबर यहाँ पे सॉन्ग्स की कैटेगरीज के बारे में बात की जा रही है बिलाल सईद के सॉन्ग्स के बारे में तो यहाँ पे लिखा गया है लिल्टिंग रोमांटिक नंबर ये एक सॉन्ग है जो खुशी से यहाँ गाने

प्लूरल आ गया यहाँ पे सिंगुलर आ गया यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल की कोई बात नहीं है जब भी डेफिनेट आप आर्टिकल्स दा यूज करेंगे उसके लिए बस आपने एक माइंड में रखना है कि वो नाउन जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए बस उसके अलावा कुछ नहीं आगे आप देखिए दैट दे हैव बीन संग बाय एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट अब यहाँ पे एन इंटरनेशनल आई से बना है इंटरनेशनल ये हो गया से बनने वाला और से पहले बनने वाले पह, बनने वाले वर्ड से पहले हमने एन लगा देना है ये एक इंटरनेशनल आर्टिस्ट और उससे आगे आर्टिस्ट जो है वो एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है आगे आप देखें इससे इससे आगे और मज़ीदी देखिए आई एम अ लिट आई एम अ बिट एंटी सोशल एंड आई डोंट हैव एनी टाइज विद द मीडिया आई एम अ बिट बिट होता है थोड़ा सा मैं एक मैं एक थोड़ा सा एंटी सोशल एंड आई डोंट हैव एनी टाइज विद द मीडिया और द यहाँ पे टाइज मतलब जुड़ा हुआ हूँ विद द मीडिया मीडिया के साथ तो यहाँ पे मीडिया एक स्पेशल हो गया तो आपने यहाँ पे देखें आगे देखिए चेंज द गेम यहाँ पे गेम जो है स्पेशल हो गया इसलिए यहाँ पे द आया है इधर और नीचे देखिए द पोस्टर बॉय यहाँ पे पोस्टर बॉय स्पेशल हो गया द आ गया अ मेजर सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड यहाँ पे स्पेशल नहीं है एक ब्रांड के बारे में बात की गई है सॉफ्ट ड्रिंक की तो यहाँ पे आ गया इ मेजर सॉफ्ट ड्रिंक पीपल इन द म्यूजिक बिजनेस यहाँ पर म्यूजिक बिज़नेस एक खास बिजनेस म्यूजिक uh, से स्पेशल हो गया तो यहाँ पर द म्यूजिक बिजनेस आ गया तो आपने स्टूडेंट्स ने यहाँ तक देखा होगा और यहाँ पर जितने भी मैंने ये अंडरलाइन किए हैं द वर्ड यहाँ पे देखिए द करोना वायरस यहाँ पे दर्ज अ मेजर अलॉट ऑफ इतने ज़्यादा आर्टिकल्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है सेम इसी तरह कोई भी आपको जब भी कोई भी आ, पार्ट ऑफ स्पीच या कोई भी ग्रामर टिकल कोई टर्म आपको पढ़ाया जाएगा तो उसका थोड़ी प्रैक्टिस आपको न्यूज़पेपर से मैं करवाऊंगी और आपने ख़ुद से भी न्यूज़पेपर पढ़ना है और कोई भी बुक रीडिंग करनी है जब आपने कोई ग्रामर की प्रैक्टिस की आपने उसकी बुक रीडिंग करना शुरू कर देनी है तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी स्टूडेंट के आपने इस बात को माइंड में रखना है कि आर्टिकल्स आ एंड द इसको दो ग्रुप में तकसीम किया गया है इंडेफिनेट और डेफिनेट डेफिनेट में आर्टिकल्स दा आता है जैसे जो खास हो जाए द बॉय हैव कम तो यहाँ पे द बॉय स्पेशल हो गया क्योंकि वो आ चुका है वो तो बॉय अगर इसको काउंटेबल नाउन के तौर तो पे लेके जाता है तो हम इसके बी बी है तो उससे पहले हम आ बॉय लिख देते हैं लेकिन यहाँ पे वो लड़का जो आ चुका है इसलिए यहाँ पे द बॉय हैव कम इसी तरह वाट आर प्रिटी गर्ल यहाँ पे एक आम बात की गई है एक लड़की खूबसूरत है क्या वाट आर ब्यूटीफुल गर्ल क्या खूबसूरत लड़की है इसलिए आम एक काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए आ लगा दिया जाएगा तो आपने ये बात माइंड में रखनी है स्टूडेंट्स के आ और एन का इस्तेमाल हमने वोवल और कॉन्सोनेंट को देखते हुए करना है कि वोवल के साथ हमने बनने वाले लेटर्स के साथ जो वर्ड बनते हैं उसके साथ एन और कॉन्सोनेंट से बनने वाले लेटर्स जो हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स से बनने वाले वर्ड के साथ अपने आ लगा देना है और चाहे वो वोवल हो कॉन्सोनेंट हो लेकिन स्पेशल उसके साथ आ डाल वेरी सिंपल बहुत ईजी है इतना ईजी है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है ये और इसीलिए आपने इसको थोड़ा सा डिटेल्स याद करना है ऐसी कन्फ्यूजन थोड़ी सी आ, जो है वो यू से भी होती है यू बाफ़ा पे ये का साउंड देता है और कई जगह पे ये अलिफ का साउंड देता है जब ये अलिफ का साउंड देगा तो ये होगा वॉवल और जब ये ये का साउंड देगा तो ये होगा कॉन्सोनेंट तो जब ये कॉन्सोनेंट का साउंड देगा तो उसके साथ आ जाएगा हमने आ लगाते हैं चाहिए वॉल का साउंड देगा तो उसके साथ हमने एन लगा देना है तो ये भी एक छोटी सी कैटेगरी थी जो मैंने आपको बतानी थी यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है थैंक यू वेरी मच